गढ़ हुआ। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन व पदाधिकारी द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित कांडी बाजार में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी जोहान टुडू व कांडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु कांडी बाजार के चौक चौराहे बाजार व गली में प्रखंड विकास पदाधिकारी जोहान टुडू व थाना प्रभारी नीतीश कुमार लोगों को समझाते हुए नजर आए। साथ ही कांडी बाजार में लगने वाले सब्जी बाजार को पश्चिम में स्थित पोखरा के पास शिफ्ट किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी जोहान टुडू ने कहा कि इस बार कोरोना जानलेवा बन गई है, इसे फैलने वाली बीमारी की रोकथाम हेतु सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। उन्होंने कांडी बाजार में लगाए गए सब्जी मंडी को कांडी बाजार से पश्चिम में स्थित पोखरा के पास शिफ्ट कराते हुए सभी सब्जी दुकानदारों को नियमित मास्क पहनकर सब्जी बेचने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जो ग्राहक बिना मास्क के दुकान पर सब्जी खरीदने पहुंचते हैं उन्हें किसी भी हाल में सब्जी न दें। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कांडी बाजार स्थित सब्जी दुकान को कांडी के पोखरा के पास शिफ्ट कर दिया गया था। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए चौक चौराहे पर खड़ा होकर प्रतिदिन मास्क की जांच कर रहे थे। शुक्रवार को एक बार पुनः उन्हें पुराने फॉर्म में देखा गया। इस बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को कांडी के नए थाना प्रभारी नीतीश कुमार का भी भरपूर साथ मिल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कांडी प्रखंड कार्यालय में भी आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। लोगों की समस्याओं के निदान के लिए उक्त प्रखंड व अंचल से संबंधित दो दो पेटी रखी गई है। लोग अपनी समस्या लिखकर फोन नंबर के साथ पेटी में रखते हैं। कर्मियों द्वारा उनकी समस्याओं का निदान कर उन्हें फोन पर सूचित